हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, गुलाब जामुन तो ब्रेड के भी बनते हैं, सूजी के भी बनते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली गुलाब जामुन जो होते हैं मावे और पनीर के बनाए जाते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो आज ये उसी की ट्रेडिशनल रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुलाब जामुन की फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फटाफट से बना लेते हैं गुलाब जामुन की रेसिपी। गुलाब जामुन बनाने के लिए जिन मटेरियल्स की हमें ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले हमने लिया है पनीर, ये 100 ग्राम पनीर है। 250 ग्राम हमने मावा लिया है। 1 बड़ा चम्मच हमने मैदा लिया है जो गुलाब जामुन की बाइंडिंग में काम आएगा। ये हमने केसर लिया है जो हम गुलाब जामुन के अंदर भरेंगे, जिससे अच्छा कलर आएगा उसके लिए में। ये 2 कप हमने ली है चीनी, जिसे हमें चाशनी में बनाने में यूज़ करना है। ये हमने 5 से 6 छोटी इलायची ली है जो हमें चाशनी में डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गुलाब जामुन में। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें सभी चीज़ें हमें मिक्स करनी है। तो इसमें हम डाल देंगे मावा, इसके साथ ही इसमें हम पनीर जो बताया था उसे मैश कर देंगे। मावा फ्रेंड्स हमने घर में बनाया है, घर में भी मावा ईजिली बन जाता है। अगर आप मार्केट से लेना चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे हम मैदा। मैदा हमने 1 बड़ा चम्मच बताया था आपको। अब इसे बहुत अच्छे से मथेंगे। आपने देखा होगा, आप जब भी मार्केट में रसगुल्ले खाते हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम होते हैं। तो बहुत ही सीक्रेट टिप्स है आपको शेयर करने जा रही हूँ। जितना आप अच्छे से मथेंगे गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट और मुलायम बने, तो फ्रेंड्स उसे बहुत अच्छे से मथे कम से कम 15 मिनट। जितना अच्छे से उसे मथेंगे गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेंड्स हमने मावा और पनीर को बहुत अच्छे से मथ लिया है। इसे मथने में हमें 15 मिनट लगे हैं, जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। इसके हम बॉल्स बनाएंगे, पर बॉल्स बनाने से पहले हम गैस पे चाशनी बनने के लिए रख देते हैं, ताकि हमारी चाशनी भी तैयार हो जाए। चाशनी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने स्टील का एक भिगोना लिया है। आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, बट वो गहरा होना चाहिए। गैस ऑन कर दी है, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। पानी डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, और चाशनी जो हमारी है वो परफेक्ट बननी चाहिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब जामुन बना रहे हैं तो इस रेशो को डबल भी कर सकते हैं। चीनी भी हम डाल रहे हैं, चीनी में आप देख सकते हैं मैंने इलायची डाली। इलायची को हल्का सा नाइफ से मैंने छील लिया था। तो इस चाशनी को फ्रेंड्स हमें एक तार बिल्कुल कंप्लीट नहीं करना है, एक तार बिल्कुल जस्ट बनने वाला हो तभी गैस हम बंद कर देंगे, क्योंकि थोड़ा भी चाशनी अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो उसमें चीनी जमने लगती है गुलाब जामुन पे। तो एक तार कंप्लीट नहीं बनाना है हमें। तो फ्रेंड्स इतने हमारी चाशनी बन के तैयार होती है, इतने हम गुलाब जामुन के बॉल्स बना लेंगे। एक टिप आपके साथ और शेयर करूंगी फ्रेंड्स, बॉल्स बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बॉल्स में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। उससे आपको तलते हुए बेनिफिट होगा, आपके जो गुलाब जामुन हैं कढ़ाई में जाके एकदम से फटेंगे नहीं और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। ये रेसिपी आप भी बना सकते हैं ईज़िली। तो मैंने हल्का सा डेंट किया, इसमें लगा देंगे हम केसर का एक धागा, इसे चारों तरफ से बंद कर देंगे। केसर लगाने से फ्रेंड्स गुलाब जामुन में बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छे से परफेक्ट इसे इस तरीके की शेप दे दी है, बिल्कुल लड्डू जैसी शेप आपको देनी है। तो एक गुलाब जामुन का बॉल्स हमारा बन के रेडी हो गया है। अब मैं दूसरे डिफरेंट शेप इसे दूंगी, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने थोड़ा अब इसे दूसरा लंबा शेप दिया है, ये भी बहुत देखने में अच्छा लगता है। और इसमें भी हल्का सा डेंट किया, इसमें भी हम केसर का एक धागा लगाएंगे और इसे भी बिल्कुल हाथ से इस तरीके से लंबा लंबा करेंगे, जैसे एक लॉक टाइप होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से परफेक्टली कर देंगे। और यहाँ भी हमें ध्यान देखना है कि बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए। देखिए हमने बना लिया है सभी इस तरीके से। हम गुलाब जामुन को हमने 2 तरीके की शेप दी है, एक लंबे में और एक गोल में। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब हम तलने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड चाशनी भी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तार नहीं बनना चाहिए, एक तार हमारा थोड़ा सा बनने वाला हो, बस हमें तभी बंद कर देना है। पूरा कंप्लीट तार नहीं बनाना है इसमें हमें। चाशनी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी, देखिए बिल्कुल पतली है। गैस हम ऑफ कर देंगे, अब हम गुलाब जामुन को तलने की तैयारी करते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने इसमें लिया है देसी घी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल का ना हो। तो फ्रेंड्स गुलाब जामुन अब फ्राई करेंगे। ये हमने एक गुलाब जामुन लिया, इसका परफेक्ट रेशो मेरे को पता है। अगर आपके गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा इसका डो तेल में डाल के देखिए, वो अगर फटता है तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा और मिला लीजिए, उसके बाद बॉल्स बनाइए, फिर बहुत परफेक्टली बनेंगे। तो 5 गुलाब जामुन हम इसमें डाल देंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, 5-5 डालेंगे, जिसे वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं भी इसमें 5 ही गुलाब जामुन डाल रही हूँ, जो बहुत ही धीमी आंच पे हमें पकाना है, बहुत अच्छे से पक जाएंगे। इसमें हमने 5 गुलाब जामुन डाल दिए हैं। तो गुलाब जामुन डालने के बाद फ्रेंड्स एकदम से इसमें झड़नी नहीं लगानी होती है, वरना वो फ्राई होते हुए फट जाते हैं। तो नीचे से सिकना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद ही इस पर हम हल्का हल्का सा ऑयल डालेंगे। ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से डालेंगे, और नीचे से कलर आ गया है इसमें तो आप इसे पलट दीजिए, ताकि जो ऊपर की तरफ से कच्चे हैं वो भी अच्छे से सिक के तैयार हो जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स परफेक्टली कलर आ गया, जैसा कलर हमें चाहिए था। ज़्यादा तेज आँच पर जब हम गुलाब जामुन को पकाते हैं तो वो फ्राई तो हो जाते हैं, बट वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो हमें लो मीडियम आँच पर ही इसे फ्राई करना होता है। तो देखिए घी में अच्छे से तैर भी रहे हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, दो दो गुलाब जामुन निकालेंगे और इसे हम गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन बना है हमारा, और देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तो फ्रेंड जितनी देर गुलाब जामुन चाशनी में रहता है, उसे क्या होता है, गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से सोख लेता है, और जब चाशनी उसके अंदर भर जाती है तो वो फूल के बड़ा हो जाता है। बाकी सभी गुलाब जामुन हम इसी तरीके से तैयार करेंगे, हल्का हल्का चाशनी उसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। फ्रेंड्स सभी गुलाब जामुन हमने चाशनी में डाल दिए हैं, फूल के काफी बड़े हो गए हैं, इसे हम एक ट्रे में ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए तैयार है हमारे गुलाब जामुन, बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। तो देखा फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे गुलाब जामुन, है ना। तो इस ट्रे को हम साइड में कर लेंगे, और एक प्लेट में हमने कुछ गुलाब जामुन लिए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको मैं खा के दिखाऊंगी और कट करके दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्टली कट रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब मैं इसे खा के दिखाती हूँ आपको कैसा बना है। सुपर्ब फ्रेंड्स, सुपर्ब क्लासिक, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर देखिए और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो देखा फ्रेंड्स कितने डिलीशियस गुलाब जामुन बनके तैयार हुए। यदि आप बैचलर हैं, बिगनर हैं, उस रेसिपी को देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ये बहुत अच्छे गुलाब जामुन बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं यूनिक एंड न्यू रेसिपी लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।